हेलो, जय हिंद। नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के फायर सेफ्टी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज संडे और आज हम लेकर आ गए हैं संडे कमेंट बॉक्स, क्यू एन ए बॉक्स। तो साथियों, आज हम जितने भी आपके सवाल हैं, सभी सवाल जितने आपने पूछे हैं, उन सभी के जवाब देने वाले हैं। और अगर आप पूछना और भी सवाल चाहते हो, अगले संडे आपके भी कमेंट बॉक्स आ जाएंगे। तो कुछ भी आपका कोई यूनिक सा सवाल हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट के अंदर। तो साथियों, अगले संडे को आपका कमेंट जरूर लेकर आऊँगा, अगर बढ़िया बढ़िया और पूछने लायक सवाल हुआ तो। तो साथियों, आज का जो फर्स्ट सवाल है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपको इस चैनल के ऊपर फायर से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है, फायर से संबंधित जितनी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के जितनी वैकेंसी आती है, यहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। तो आज का जो फर्स्ट सवाल है, हनी सिंह पूछ रहे हैं कि सर, मेरा EWS से छाड़ना सही है, हो सकता है क्या? ये बिहार फायरमैन का इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और ये पूछ रहे हैं। तो सर, 96 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, EWS बिल्कुल हो जाएगा। सोनू अलवर पूछ रही हैं, सोनू हैं अलवर से, ये पूछ रही हैं कि सर, OBC से 65 क्वेश्चन सही हैं, हो सकता है क्या? तो ये है जो राजस्थान फायरमैन की, अब जितने भी पूछेंगे वो राजस्थान फायरमैन के बारे में पूछेंगे। तो साथियों, जो भी सोनू पूछ रहे हैं कि तो OBC से अगर आपके 65 सही हैं तो बिल्कुल हो जाएगा, आपका सेफ स्कोर के अंदर हो और 2-3 रोज के अंदर आपका रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, जो रिजल्ट है आपको आते ही आपको जो YouTube चैनल के ऊपर भी बता दिया जाएगा, और जो WhatsApp ग्रुप है और Telegram ग्रुप है उसके ऊपर आते ही आप 10 मिनट के अंदर आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट जो कैंडिडेट हैं, मनीष मीणा पूछ रहे हैं कि ST से 47 सही हैं सर जी, तो हो सकता है क्या? तो ये ST से अगर आपके 47 सही है, अगर 50 प्लस से थोड़ा संभावना ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन अभी आपकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन सेफ स्कोर के अंदर आप नहीं हो, लेकिन होना या ना होना तो वो रिजल्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। तो रिजल्ट आ जाता है भी, तो रिजल्ट आते ही आपको वहाँ पर पता चल जाएगा सर। नेक्स्ट जो कैंडिडेट हैं, दीपक चौधरी पूछ रहे हैं कि OBC से 66 सही है, कोई चांस है क्या? तो अगर 66 सही है तो पूरी चांस आप सेफ स्कोर के अंदर हो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रही हैं, जिनका चैनल का नाम है मेरा भाई, ये पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्शन लगाया है, उन क्वेश्चनों का फ़ायदा मिलेगा ना? यदि बोर्ड नहीं मानी तो कोर्ट में जाएंगे। तो भाई, अगर बोर्ड अगर आपने स्टैंडर्ड बुक से लगाया है, क्योंकि मैंने बता भी दिया था आपको, स्टैंडर्ड बुक से PDF भी डाल दी थी आपको, ग्रुप है उसके ऊपर डाल दी थी, चैनल के ऊपर आकर बता भी दिया था किस किस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तो अगर उनसे आप लगाए हो तो स्टैंडर्ड बुक थी वो, उसके अंदर बोर्ड मान लेगी, उसमें कोई दोराय नहीं है। तो बोर्ड अगर मानती नहीं है और अगर आप ऑब्जेक्शन आपने सही लगाया है, स्टैंडर्ड बुक है, फिर आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन उसको बोर्ड ही मान लेती है, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि शिवांश व्लॉग, सर चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए क्या करना, क्या क्या चाहिए? तो चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए आपको एक तो 1000 सब्सक्राइबर, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए एक साल के अंदर, प्लस में 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए एक साल के अंदर, और नो कॉपीराइट स्ट्राइक होनी चाहिए चैनल के ऊपर, और टू पिन वेरिफिकेशन होना चाहिए आपका चैनल। 4 कंडीशन होती हैं, उसके बाद में आपको 3 स्टेप से और गुजरना पड़ता है, जो वो YouTube की है, तो वो आप अपने आप YouTube देखता है, उनको चेक वगैरह करता है। तो ये इसकी प्रोसेस होती है चैनल मोनिटाइज करवाने की। इसके अंदर अगर आप किसी दूसरे को पैसे देकर करवाते हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपनी मेहनत से करोगे तो देखने वाले भी अपने आगे जो आपको पे पॉइंट मिलने वाला है वो भी बढ़िया मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी से पैसे देकर करवाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मजे की बात भी नहीं रहेगी, और आप फिर बाद में आप उसके अंदर असफल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति चौधरी पूछ रही है कि सर, OBC फीमेल से 43 सही हैं, पेपर क्लियर हो सकता है क्या? तो प्रीति, मैं आपको बता दूं, 43 सही हैं तो आपके
पेपर अगर क्लियर होने के लिए कम से कम अगर आपके 50+ सही होते तो संभावना ज़्यादा बनती, लेकिन अभी आप सेफ स्कोर के अंदर नहीं हो। लेकिन कुछ कुछ वो है, यानी कि आप सेफ स्कोर के अंदर, आधी सेफ स्कोर के अंदर हो आधी बिना सेफ स्कोर के अंदर हो, तो वो आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता चल जाएगा। 2-3 रोज़ के अंदर रिजल्ट आ जाता है, तो आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। लेकिन अगर 50+ होते हैं आपके, तो सेफ स्कोर के अंदर ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है राम बाबू मीणा पूछ रहे हैं कि सर, होटल मैनेजमेंट वालों के लिए कोई जॉब है तो बताओ। तो भाई, अगर आपके लिए कोई होटल मैनेजमेंट वालों के लिए कोई जॉब होगी तो मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर बता दूंगा। अभी कोई जॉब नहीं है, तो अभी तो कोई फायर डिपार्टमेंट के अंदर ही जॉब आई हुई है, तो मैं आपको उस फायर के अंदर ही बता सकता हूँ। होटल मैनेजमेंट की ऐसी कोई जॉब नहीं है आपके लायक जो मैं बताऊँ। तो साथियों, ये आज के कुछ क्वेश्चन वगैरह थे जिस साथी ने पूछे, क्योंकि आज संडे था और संडे कमेंट बॉक्स हर संडे को मैं लेकर आता हूँ। आपके जितने भी कमेंट होते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, सभी के जवाब मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो साथियों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आज की इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।